सुबह के बज चुके हैं 5। अब मैं उठ के आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक। सुबह उठने तो किसी का मन नहीं करता, लेकिन आज उठना पड़ेगा। आज मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं सुबह उठ के रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, काफ़ी, ताकि मेरा हेल्थ सही रहे। सुबह उठ के मैं सबसे पहला काम करूँगा, मच्छरदानी खोल दूँगा, अपना बेड सही कर दूँगा, उसके बाद ही कहीं जाऊँगा। बेड उड सही करके बाथरूम वाथरूम जाके उसके बाद निकलूँगा मैं टीयर के लिए आज। कैसे कि मेरा ग्राउंड मेरे घर से थोड़ा दूर है, इसलिए अच्छा रहता है टीयर पे ही चला जाना। वहाँ बेस्ट ट्रैक है घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है, गेहूं के लहलहाते हुए खेत देखने को मिलते हैं। चलिए आपको भी दिखाऊंगा गेहूं के लहलहाते हुए खेत, मेरा दियर, मेरा गांव। गांव काफ़ी सुंदर होता है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी शांत वातावरण, चहचहाते हुए पक्षी, घूमते हुए जानवर, घोड़े वगैरह वगैरह आपको दिखाएंगे। तो उठ के मैं बाथरूम से आके सबसे पहला काम करूँगा, टी शर्ट पहन लूँगा। टी शर्ट पहन के ही घर से निकलूँगा और एक हेडफोन ले लूँगा। हेडफोन ले लेता हूँ, वहाँ बीच बीच में गाना सुन के दौड़ने में मज़ा आता है, अच्छा रहता है वहाँ म्यूजिक सुनते हुए दौड़ना। कैसे कि अकेले काफ़ी बोरिंग फील होता है वहाँ पर। मैं आ चुका हूँ अपने डियर में, देख सकते हैं आप लोग, ये घर से मेरे लगभग 500 मीटर दूरी पे होगा ये वाला सीन। इसके आगे देखें रेत होगा, रेत ही रेत। इसको पार करने के बाद ही आगे का दृश्य देख पाएंगे, आगे जो दियर वाला सीन है, जो खेत वाला गेहूं वाला, ये बालू को पार करने के बाद ही वो वाला सीन आता है। अब देखिए मैं उधर दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार सिंह, ब्लॉगर बॉय नवीन, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आज मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ, तो सोचा आप लोगों को ले चलूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरे घर से ग्राउंड थोड़ा दूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे घर के पीछे ही दियर है जहाँ केवल रेत ही रेत होता है, या केवल खेत ही खेत होता है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, केवल गेहूँ का खेत है। और ये रनवे पकड़ के मैं 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पैर दर्द करने लगेगा आज ही, तो कल से आ नहीं पाऊँगा। यहीं से मैं टर्न घूम जाता हूँ, अपने घर की तरफ प्रस्थान करता हूँ। आज मैं इतना ही दौड़ने में बहुत थक चुका हूँ, लग रहा है कितना हरासमेंट हो गया, आज पहली बार आया हूँ। लेकिन मैं 15 डेज चैलेंज ले रहा हूँ आज से, कि मैं रेगुलर कम से कम 15 दिनों तक आऊँगा, उसके बाद आदत हो जाएगा, तो रेगुलरिटी मेंटेन करता रहूँगा और मॉर्निंग वॉक पे रोज आऊँगा। पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाया करें। आज तो बहुत थक चुका हूँ इतने में। आप लोग मॉर्निंग वॉक के साथ साथ मेरे गांव का दियर भी देखते चले कि दियर कैसा होता है। ये है खूबसूरत सा दृश्य जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ सुबह सुबह आके, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मान के चलिए तो। बहुत खूबसूरत प्लेस है ये, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। सुबह सुबह हम लोग को मॉर्निंग वॉक पे जाना ही चाहिए, क्योंकि एक बेहतर दिन के लिए मॉर्निंग वॉक काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बीच में ना कोई घर ना कोई इंसान मिलेगा, यहाँ मिलेगा तो केवल खेती खेत चारों तरफ, और पक्षी चहचहाते हुए पक्षी जानवर। ये पूरा दिया पड़ता है, बाढ़ आता है तो ये सब कुछ डूब जाता है, केवल ये गेहूँ के खेत के लिए ठीक है।
बाढ़ जब एक बार आ जाता है तो इन सब खेतों के लिए राहत हो जाता है। मैं अब 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, अब यहाँ से घर मेरा 2 किलोमीटर और दूर है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 4 किलोमीटर जाऊँगा और 4 किलोमीटर दौड़ते हुए आऊँगा। प्रकृति के बीच मॉर्निंग वॉक पर आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज का मॉर्निंग बेस्ट मॉर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बीच दियर में ये कहीं कहीं एक एक पेड़ इंसानों के लिए काफ़ी राहत देता है। जब धूप उग जाता है देख सकते हैं पेड़ ज़्यादा होता नहीं है, इक्का दुक्का पेड़ ही होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब सूरज भी निकलने लगा है, धीरे धीरे दिन होने लगा है। अब बस 1 किलोमीटर की दूरी और, उसके बाद घर जाके देखूंगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लूँगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आप लोगों के ब्लॉग रोज़ बनाऊँगा। बस अब 500 मीटर और, ये सब पार करने के बाद हम लोग का बस्ती पड़ता है उधर घर। ये हमारा गांव का खेत है, यहाँ परवल की खेती की जाती है। आप लोग देख सकते हैं ये परवल की खेती कैसे होती है। देखिए ये सब परवल का खेत है। अब हम अपने घर एकदम करीब आ चुके हैं, यहाँ 100 मीटर, ये मेरा घर। हम आ गए अपने घर में और उसके बाद अपने छत पर चले जाएंगे रूम में। फाइनली मैं अब आ चुका हूँ अपने रूम में, यही मेरा रूम है, मेरा बेड, ये मेरा बालकनी, यही मैं बैठ कर पढ़ता हूँ, और ये मेरा बालकनी है। सो मैंने मनी प्लांट बना के रखा। इसके बाद मैं शुरू कर दूंगा अब एक्सरसाइज जितना हमसे हो पाता है।
अब बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। तो बस आज इतना ही, आज रनिंग और एक्सरसाइज इतने पे ही क्लोज करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।